राजस्थान में अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आए, जहां पर उन्होंने कई बड़े घोषणाएं की और उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार बोला। कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जो है वो किस तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए अब भाजपा की सरकार यानी कि परिवर्तन लाना है। पिछले 2 सितंबर जब जेपी नड्डा ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, उसका समापन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा और कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है और डबल इंजन की सरकार लेकर आनी है। आज आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय पर बैठक थी, जहां पर जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ बैठक की गई। संभवतया ये माना जा रहा है कि अब जो पहली सूची है वो भी जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए आ जाएगी। कल संभवतया अमित शाह का भी दौरा प्रस्तावित राजस्थान में है, जहाँ पर अमित शाह यदि यहाँ पर आते हैं तो माना जा रहा है कि सराज से पहले ये पहली सूची राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की जारी की जाएगी। इससे पहले सभी के साथ चिंतन मंथन किया गया और सभी से रायशुमारी की गई, जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी ये विश्वास जगाया जा सके कि उनकी रायशुमारी भी टिकट वितरण से पहले की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल का दृश्य यदि देखा जाए तो राजस्थान में भाजपा में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को कल स्टेज के ऊपर देखा गया, नाराजगी साफ उनके चेहरे पर नजर आई और नाराजगी के बाद में अब निश्चितया बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा गया है कि वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो तैयार रहे किसी भी परिस्थिति के लिए। तो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, इसको देखते हुए अब वसुंधरा राजे क्या अगला कदम लेगी ये भी देखने वाला होगा। 2 दिन पहले जब नारी शक्ति के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया था, तब भी उन्होंने एक बड़ी बात राजस्थान में कही थी कि वो कौरवों के बीच में, उन्होंने एक बड़ी कहावत कही थी कि किस तरीके से द्रौपदी कौरवों के बीच में फंस गई थी और श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी और किस तरीके से श्री कृष्ण की उन्होंने अपने रक्षा सूत्र बांधा था। वही वसुंधरा राजे ने कहा कि आपका सभी बहनों का रक्षा सूत्र मेरे हाथ में है और आने वाले समय में मैं जिस तरीके से कौरवों का उन्होंने उदाहरण दिया, तो संभवतया इसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने और राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो अब अगला कदम वसुंधरा राजे का क्या होगा राजस्थान में, संभवतया ये भी देखने वाला होगा। कल अमित शाह जब राजस्थान में आएंगे और यहाँ पर बैठक लेंगे तो पहली सूची के ऊपर भी विचार विमर्श होगा और माना यह जा रहा है कि अभी तक जो पहली सूची जारी करनी है उस पर काम हो चुका है, बस सिर्फ सूची जारी करने की देरी है। बताया जा रहा है कि पहली सूची में वो नाम होंगे जहां पर भाजपा कमजोर स्थिति में है और जिससे कि लोगों को वहां पर तैयारी करने का मौका मिल सकता है। तमाम जो लोग हैं आज भाजपा कार्यालय में जिस तरीके से पहुंचे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कमोबेश वही स्थिति है जो भाजपा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी भी वही स्थिति बनी हुई है जो पिछले 5 साल से लगातार देखने को मिल रही है। राजस्थान में सचिन पायलट चाहते हैं कि उनको तवज्जो मिले, उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दम पर सरकार रिपीट करवाना चाह रहे हैं। महंगाई राहत कैंप वो लगाए, जिसके अंदर महंगाई राहत कैंपों में वो लगातार गए, अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा जा रहा है कि उनके दम पर अब 2030 का विजन लेकर वो सामने आ रहे हैं। 2030 का विजन क्या होगा, इसके लिए उन्होंने सभी से राजस्थान में अपने अपने सुझाव मांगे हैं। सुझावों के बाद में 30 सितंबर तक लगभग ये माना जा रहा है कि वो 2030 का विजन अपना सबके सामने रखेंगे और उनका क्या प्रोजेक्ट है, क्या मायने हैं 2030 को वो रखेंगे। दोनों ही तरफ की स्थितियां संभवतया ठीक नहीं है, किस तरीके से पार पाएंगे ये आलाकमान तय करेगा। जिस तरीके से कल भाजपा में वसुंधरा राजे को जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि माना जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आएंगे तब संभवतया ये हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से वसुंधरा राजे को तवज्जो दी जाए, लेकिन वही नाराजगी साफ नजर आई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आंख तक नहीं मिलाई, कि संभवतया अभी देखा जा रहा है कि उनकी नाराजगी निश्चित तौर पर आलाकमान तक पहुंच चुकी है। पहले ये बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से परिवर्तन यात्राओं में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा रही थी, उसको लेकर भी आलाकमान तक सूचना थी। उसके बाद में ये माना जा रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वसुंधरा राजे को राजी किया जाएगा। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हैं आप? हम सरदार शहर से आए हैं, चूरू जिला से। अच्छा, चूरू से। क्या स्थिति मान रहे हैं अब की बार भाजपा की राजस्थान? हम सरदार शहर के अंदर भी परिवर्तन चाह रहे हैं टिकट के लिए। पिछली दफे 6 बार अशोक जी पिंचा को टिकट दी गई लेकिन जीत नहीं पाए। इस दफे आम जनता की ये आवाज है, भावना है कि टिकट का भी परिवर्तन किया जाए तो सरदार शहर टिकट जीत कर आ सकती है कमल किले। किसको इस बार आप वहाँ से भावी उम्मीदवार या प्रभावी व्यक्ति मान रहे हैं? हम हमारे पूर्व प्रधान है सत्यनारायण जी सारण। अच्छा, और वहाँ जाटों का बेल्ट भी है 70-75। आज अंदर बैठक में थे? हाँ, बैठक में थे। क्या कुछ रायशुमारी की गई है अंदर, क्या कुछ किस पे है? वो कल अमित शाह आएंगे, मीटिंग लेंगे तो कल वो टिकटें डिक्लेयर होगी जो
कमजोर सीटें हैं उनका निर्णय कल होएगा। आपको क्या कहा गया, क्या संदेश मांगा, क्या क्या सुझाव आपसे लोगों से? हमारा सुझाव तो यह है कि आपकी टिकट परिवर्तन की गई है। आपसे कुछ अभी बोला है अंदर, कुछ मांगा है कुछ अंदर? हमारी चंद्रशेखर जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि आपकी सरदार शहर की टिकट का परिवर्तन होएगा। राजस्थान में क्या मान रहे हैं इस बार अशोक गहलोत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में सत्ता हम रिपीट करेंगे? राजस्थान में तो अशोक जी गहलोत पिछली दफे भी रेवड़ियां बांट रहे थे और इस दफे भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। रेवड़ियां आम आदमी, आम जनता, आजकल घर घर में नेता हो गया, व्हाट्सएप चलती है, सब जनता जानती है। ठीक बात है। तो ये कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी की गई है, कल संभवतः जब अमित शाह आएंगे तो इन सब चीजों पर मोहर लगेगी और संभवतः आने वाले समय के लिए किस तरीके की रणनीति होगी इस पे भी निश्चित तौर पर बात की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया कि राहुल गांधी ने जब राजस्थान में आकर ये कहा है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं लेकिन राजस्थान में टक्कर है, तो प्रहलाद जोशी ने कहा कि नहीं, वहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी वो नहीं जीत रहे हैं, राजस्थान में तो किसी हालत में नहीं जीतेंगे। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी जारी है लेकिन चुनाव का माहौल है, इस तरीके की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो इसको देखते हुए अब राजस्थान के चुनावी माहौल भी बन चुका है। हम भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह भीलवाड़ा, भरतपुर, सभी जिलों में हम जा रहे हैं, चुनावी यात्रा हमारी जारी है। देखते रहिए हमारे साथ और इस चैनल के साथ अब बने रहिए। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।